और दर्शन हो जाए भगवान का, बस यही तमन्ना लेके 3 दिन से चल रहे हैं हम कहाँ लोग। से उम्मीद आ जाती है, जल चढ़ाना है तो चढ़ाना है, और ऊपर से रास्ता सुनने से आधा आदमी उधर ही बोलते कि नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आप सभी का स्वागत है मेरे और एक नए ब्लॉग में। और अभी हम हैं कांवरिया पथ में, और मेरे यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर कलकतिया धर्मशाला, और मेरे पीछे देख सकते हैं आप कांवरिया पथ में अब भी जो है कांवरिए चल ही रहे हैं। बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर भाई लोग कॉमेंट कर रहे थे कांवरिया पथ दिखाइए, और मलयमास में किस प्रकार से कांवरिए चल रहे हैं वो भी दिखाइए। तो मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से कांवरिया बमजी सब चल रहे हैं, बाबा की नगरी की तरफ जा रहे हैं। चलिए मैं रियर कैमरा ओपन करके दिखाता हूँ कैसे कांवरिया बमजी सब यहाँ पर आ रहे हैं, और कुछ कांवरिए बमजी सब बैठे हुए उनसे भी आपको जानकारी लेकर देंगे। तो चलिए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। तो देखिए, मैं आपको कांवरिया पथ दिखा रहा हूं, और मलयमास में इस प्रकार से कांवरिए चलते हुए आपको नजर आ जाएंगे कांवरिया पथ में। बहुत सारे भाई लोग कमेंट कर रहे थे कांवरिया पथ दिखाइए, मलयमास में किस प्रकार से कांवरिए चल रहे हैं वो दिखाइए। तो ये आपको मैं मलयमास का ही नजारा दिखा रहा हूं, देख सकते हैं आप किस प्रकार से कांवरिए बमजी सब चल रहे हैं। कांवरियों की संख्या में कमी तो आई है, लेकिन उस हिसाब से कमी नहीं आई है, देख सकते हैं आप यहां पर कांवरिए चल ही रहे हैं। और पीछे तक जो है आपको नजर आ रहा होगा वहां तक भी जो इसी प्रकार से कांवरिए बमजी लोग चल रहे हैं, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं। बहुत ही सुंदर नजारा मलयमास में भी देखने को मिल रहा है, और अभी जो है बंगला सावन भी चल रहा है, दोनों साथ साथ चल रहा है। तो मलयमास जब तक चलेगा तब तक जो है बंगला सावन भी चलेगा। तो बंगाल के भी कुछ जो है कांवरिए बमजी सब आए हुए हैं, तो उन्हीं लोगों से बात करेंगे जो कि यहाँ पर बैठे हुए हैं चाय पी रहे हैं। चलिए चाय पीने दीजिए, उसके बाद इन लोगों से जानकारी लेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं इस प्रकार से कांवरिए बमजी सब जा ही रहे थे, और तो मुझे जो है बंगाल से कुछ कांवरिए बमजी आए हुए हैं जो कि मिल गए। ये शंकर भैया हैं, तो चलिए भोलेनाथ के दर्शन के लिए शंकर भैया अभी पहुंच चुके हैं बाबा नगरी, और चलिए इन्हीं लोगों से अब जानकारी प्राप्त करते हैं। इनके साथ और एक भैया बताए हुए हैं, तो यही अब जानकारी प्राप्त करेंगे किस प्रकार से जो है भैया जी अभी आ रहे हैं कांवर यात्रा में, और मलयमास जो चल रहा है इसमें क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मलयमास में बहुत सारे लोग अशुभ भी मानते हैं। तो चलिए सारा कुछ जानकारी जो है अब शंकर भैया आपको बताएंगे। हर हर महादेव। तो टारगेट है कि भोले बाबा को जल चढ़ाना, तो ये मास उसके बारे में तो हम लोग को इतना नॉलेज नहीं है, और हम लोग का वहाँ बंगाल में ये मास में हम लोग करता है पूजा। बंगला सावन अभी चल रहा है। हाँ, बंगला सावन चल रहा है, और दर्शन हो जाए भगवान का बस यही तमन्ना लेके 3 दिन से चल रहे हैं हम लोग। तो कब निकले थे भैया जल लेके सुल्तानगंज से? हम लोग आज 3 दिन हो गया है। 3 दिन ना? कितना जन है आप लोग भैया? 60-70 जन है हम लोग बस में आए हुए हैं। बस में आए हुए हाँ, सब इधर उधर हो गया है, बस सब निकल गया। तो हम लोग 2 जन है, थोड़ा बहुत बहुत दर्द है पैर हाथ में, तो हम लोग आस्ते आस्ते चल रहे हैं, और बाबा का पास में आ चुका है हम लोग, तो बहुत नज़दीक में ही है। तो ऐसे बस चाय के तो बैठ के चाय पियेंगे बोल के बैठे थे, तब तक आप आ गए। तो इसमें भोले बाबा का बारे में पूछे तो बहुत खुशी हुआ हम लोग को उनका नाम लेने से, लेकिन इतना लंबा यात्रा हम लोग कर चुके हैं, मैंने पलट के देखने से तो डर लग जाता है, लेकिन खाली बोलबम बोलबम बोलते बोलते हम लोग निकल गए बाहर में बस। तो आप आए कहाँ से हैं बमजी? हम आए हैं बंगाल से, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, आपका डिस्ट्रिक्ट मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट, IIT ओल्ड सेटलमेंट खड़गपुर। तो बमजी देखिए, आप जैसे यहाँ पर अभी जल अर्पण करेंगे बाबा नगरी में जी, उसके बाद फिर बासुकीनाथ भी जाना है क्या? जी हाँ। उसके बाद फिर आगे वहाँ से सबको, वहाँ से फिर तारापीठ जाएंगे, तारापीठ से फिर अपने अपने घर के तरफ। तो लंबा जो है आपका सफर है अभी, बहुत लंबा है, 3-4 जगह आपको हाँ। बाबा का दर्शन करना, उसके बाद मैया का भी दर्शन, मैया का भी दर्शन आगे जाएंगे। तो चलिए, और एक बमजी है इनसे भी थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। क्या नाम है बमजी आपका? बोल बम, मेरा उमाकांत शाह, निक नेम लकी शाह है। तो ऐसे तो बाबा को ऐसे हम लोग बहुत मानते हैं, मगर क्या करे, सावन आने से कुछ अलग ही फीलिंग आ जाता है कि बाबा से दर्शन करना है। इतना मानते हैं कि 1-2 लाख आदमी जाते हैं, फिर भी एक तमन्ना होता जाने का, एक तो कोई नहीं चाहता जाने का, मगर फिर भी एक तो पता नहीं कहाँ से उम्मीद आ जाती है, जल चढ़ाना है तो चढ़ाना है, और ऊपर से रास्ता सुनने से आधा आदमी उधर ही बोलते कि नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, मगर क्या करें, एक तो जो बोलते हैं ना दिल से मानते हैं, तो बाबा के पास जाना है तो जाना ही है, कुछ भी हो जाए। ऊपर से हम लोग 3 दिन से चल रहे हैं, खाना पीने का तो ठीक से ठिकाना नहीं है, ऊपर से हम लोग 65-70 जन आए हैं, सबका सब भटक गए, अभी वो लोग को खोजते खोजते बाबा का नगरी जाना है, और एक है सबको लेके जाना है, अकेले आए हैं मगर क्या हुआ, मगर सबको लेके जाएंगे, इतना तो है, वही टारगेट में घूम रहे, बाबा से मिलना है तो मिलना है। बोल बम, हर हर महादेव। तो देखिए, मैं आपको ये दिखा रहा था, यहाँ पर भैया जी लोग दुकान में बैठे हुए, तो मैं आपको दुकान भी दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, शैलेंद्र होटल है, यहाँ पर शौचालय वगैरह का भी व्यवस्था आपको मिल जाएगा, और यहाँ पर चाय ठंडा सारा कुछ व्यवस्था। और ये कांवरिया पथ में है, देख सकते हैं उधर से कांवरिए बमजी लोग आ रहे हैं, और जो भी बमजी लोग यहाँ पर आए हुए हैं इनके ग्रुप में, सभी भक्तों का बाबा जो है मनोकामना पूर्ण करें, यही हम बाबा से कामना करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव।